रंगों के मौसम में पिचकारियों का बड़ा रोल होता है, लेकिन इस अहम भूमिका को जब अपराधी अपराध के लिए इस्तेमाल करने लगे तो यह बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाली घटना होती है। ऐसी ही एक घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के बहादुरगंज इलाके में हुई, जहां पर प्लास्टिक की पिचकारी से एटीएम लूटने का प्रयास किया गया। मज़े की बात यह थी कि आसपास के लोग भी विकास गुप्ता नामक इस अपराधी से घबरा गए, जब इसने प्लास्टिक की पिचकारी वाली बंदूक से उन्हें डराना शुरू कर दिया। विकास गुप्ता ने आज सुबह पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में अपनी प्लास्टिक की पिचकारी वाली बंदूक के साथ पहुंचे और वहां से नैनी में का एक निवासी अब पैसे निकाल रहा था को डरा धमकाकर उससे 7,000 रुपये लूट लिए। उससे और भी पैसों की लूट करने की वो कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और विकास को धर दबोचा। उन्होंने उसको पुलिस बुलाकर सुपुर्द कर दिया और पुलिस आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उसे थाने ले गई। एक लूट रहा था, वो अंदर से भागा हुआ है, हल्ला किया तो साथ सब लोग दौड़ के उसको पकड़े हैं। कौन था एटीएम के अंदर? हाँ, एटीएम के अंदर निकालने वाला था। अच्छा। जो बैंक में वो कर्मी भी है, शटर खोल के वो चपरासी भी है, वही अपना पैसा निकाल रहा था। उसको जब अंदर से बाहर निकल के आवाज़ दिया है तो पब्लिक दौड़ा के पकड़ी है सब लोग। मोहल्ला निवासी आशीष गुप्ता। तो हम अंदर से निकल के आए, हमने देखा कि क्या हुआ है, तो देखा कि भाई ने पकड़ा हुआ है लोगों को और भीड़ इकट्ठा है। तो फिर वही बातचीत हुई, पुलिस को बुलाया जाए, पुलिस आई और ले गई। आपका परिचय? विभाष अग्रवाल, मैं मकान मालिक हूँ। एटीएम एक मानसरोवर सिनेमा के पास है, पंजाब नेशनल बैंक का। इसमें एक व्यक्ति जो नैनी का रहने वाला था, वो अपना पैसा निकाल रहा था, 7,000 रुपये निकाला, तो मुठ्ठीगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला विकास द्विवेदी, वो वहाँ एक नकली पिस्टल जो प्लास्टिक की आती है आजकल, ये पिचकारी वाली चल रही है, उसको उसे लगा करके धमका करके उससे पैसे ले लिया, 7,000 रुपये छीन लिए। और इसके बाद ये कहा कि तुम अपने एटीएम का नंबर बताओ, संभवतः वो उससे और भी पैसे निकालने की कोशिश में था। तो वहाँ जो मौजूद पब्लिक वाले हैं, उन्होंने देखा तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया था और फोर्स वहाँ पहुँच गई थी, चौकी इंचार्ज बहादुरगंज पहुँच गए थे। वो विकास द्विवेदी गिरफ्तार कर लिया गया है, इस बारे में लूट का एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो आवश्यक विधि कार्रवाई है वो कर रहे हैं। पिचकारी वाली बंदूक से लूट की कोशिश? हाँ, वो नकली प्लास्टिक की वो पिस्टल थी और उससे उसने लगा करके और उसको धमका करके ले लिया था। विकास का पुराना भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? इसके बारे में अभी हम लोग जानकारी कर रहे हैं, वो महावीरन गली मुठ्ठीगंज का रहने वाला है, पूरी जानकारी कर लेंगे।